इजरायली सुरक्षा बलों ने हाल ही में हमास आतंकवादियों की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली सुरंगों के फुटेज जारी किए हैं। इस फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सुरंगों के अंदर बिजली नेटवर्क, वेंटिलेशन, सीवेज, प्रेशर रूम और रेस्ट रूम सहित तमाम तरह की सुविधाएं हैं। वहीं अब इजरायली सेना हमास की सुरंग को तबाह करने का काम कर रही है। इजरायली डिफेंस सिस्टम की रिपोर्ट की माने तो IDF ने हाल ही में गाजा के पास एक अपार्टमेंट ढूंढ निकाला है जो दिखने में तो आम बिल्डिंग जैसा ही था, लेकिन इजरायल के सैनिकों ने टनल शॉफ्ट की जांच की तो उन्हें एक बड़ी सुरंग का पता चला। ऐसा कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल हमास के सैनिक और राजनीतिक विंग के सीनियर अधिकारी करते हैं। यह अपार्टमेंट लंबी और शाखाओं वाली सुरंग नेटवर्क का हिस्सा था जहां से हमास आतंकी संगठन के गुर्गे ऑपरेट करते थे। इस सुरंग को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि उसके अंदर लंबे समय तक छिपा रहा जा सके। इस सुरंग में बिजली, वेंटिलेशन समेत तमाम तरह की कई सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई गई थी। हमास के आतंकी इसके अंदर रहते हुए लंबे समय तक युद्ध को जारी रख सकते थे। आपको बता दें कि साल 2021 में हुए संघर्ष के बाद इजरायली सेना ने कहा था कि उन्होंने गाजा में 100 किलोमीटर लंबी टेढ़ी मेढ़ी सुरंगें तबाह कर दी हैं, लेकिन हमास ने दावा किया कि उन्होंने गाजा में 500 किलोमीटर लंबी सुरंगें बनाई हैं और इजरायली हमले में सिर्फ 5% सुरंगें ही तबाह हुई हैं। वहीं तब से लेकर अब तक हमास की तरफ से बनाई गई ऐसी सुरंगें लगातार सुर्खियों में आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।